हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और अगर मेरी वीडियो को पहले देखना है ना, तो ये घंटा कौन दबाएगा? दबाओ जल्दी से। मैडम जी, आप कहें तो अंदर आ जाएं। अब क्या सर पे चढ़ जाओगे और फिर बोलोगे कि अंदर आ जाएं? अंदर तो आ चुके हो, और कितना अंदर आओगे? मैडम जी, वैसे भी इतनी गर्मी पड़ रही है तो आप कहे गर्म हो रही हैं, और आप कहती हैं तो अंदर आ ही जाते हैं। देखो, हम पहले ही बता दे रहे हैं, हमारे यहाँ चपरासी की कोई जगह नहीं है। मैडम जी, हम तो सुने थे यहाँ मास्टर की भर्ती निकली है, पर आप तो हमें चपरासी की बता रही हैं। तुम्हारी शक्ल देख के तो कोई चपरासी की नौकरी भी ना दे तुमको। Oh, no. मैडम जी, हम बस शक्ल से चूतिया दिखते हैं, पर है नहीं। आप हमारा पहले इंटरव्यू तो लीजिए, आपके हम सब मास्टरों से ना एकदम लल्लन टाप निकलेंगे। अरे मैडम जी, पानी मंगाई थी क्या आप हमसे? तुमको कितनी बार बोला कि दरवाजा खटखटा के अंदर आया करो, बेवकूफ नहीं था। मैडम जी, ये सूट बूट पहन के पानी पिला रहा है लोगों को, क्या बात ही। यहाँ पे मास्टर की नौकरी के लिए आया था, मगर इंटरव्यू में फेल हो गया और चपरासी की नौकरी कर रहा है। Oh, no. हाँ, मास्टर का इंटरव्यू होता है कि आईएएस का है? ये मास्टरी खेल नहीं है बच्चों का, खेल निकल जाता है अच्छे अच्छों का। चलो मैडम जी, आज दोनों लोग अपना हुनर दिखाते हैं, आप सवाल पूछो और हम उसका जवाब बताते हैं। अरे तो कुछ डिग्री विग्री लाए आपके, चले आए मुँह उठा के। हमारे जीवन की एक ही तो पूंजी है मैडम जी, डिग्री, ये लीजिए आप। अरे वाह, इसमें तो लिखा है कि तुम बीटेक किए हो, पर तुम मास्टर बनने कहाँ चले आए? अब क्या बताएं मैडम जी। अब इंजीनियरिंग वगैरह में कुछ रखा नहीं है, सोच रहे हैं मास्टर बन जाएं अब। अच्छा ठीक है ठीक है, चलो। अच्छा बताओ क्वेश्चन, ये बताओ कि ऐसी कौन सी चीज है जो गाय के पास चार होती है और मेरे पास दो है? ये कैसा असली सवाल हुआ मैडम जी? सवाल अश्लील नहीं है, तुम्हारा दिमाग ही अश्लील है। या तो जवाब बताओ या फिर चलो घर जाओ। बता रहे मैडम जी, नाराज क्या होती हैं? वैसे दो ये चीज है, एक तो पैर और दूसरा आप जानती होंगी। अच्छा बताओ, मर्द की वो कौन सी चीज है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, शादी के बाद औरत को लेना ही पड़ता है? मैडम जी, ये कैसन आप उटपटांग सवाल पूछती हैं हमसे। सवाल उटपटांग नहीं है, तुम्हारा दिमाग उटपटांग है, बताओ। अरे क्या चीज है जो छोटा है या लंबा हो लाला लेना पड़ता है? सरनेम है क्या मैडम? सरनेम? तुम तो हमारी उम्मीद से ज्यादा होशियार निकले जी, और वैसे भी मुझे तो हर आदमी को देखकर उसकी नीयत का पता चल जाता है। तो आपको अपना दुपट्टा पहन लेना चाहिए मैडम। अच्छा ठीक है चलो बताओ, वॉवेल्स क्या होता है? वॉवेल्स तो बहुत मजेदार साउंड होते हैं मैडम। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? ये अक्सर सनी लियोनी की वीडियो में सुनाई पड़ता है मैडम, जैसे आह, ई, ऊ, आई, ऊ। सनी लियोनी कौन है? अरे सनी देओल को तो जानती है ना मैडम, ये उसी का स्त्री रूप है, वो एक साथ 10-10 को संभाल लेता है, और ये भी कुछ ऐसा ही है। अरे संभालती होगी वो, हमें क्या पता। खैर छोड़ो, ये बताओ कि वो कौन सी ऐसी खाने की चीज है जिसे हम खाने के लिए खरीदते हैं पर खाते नहीं है? अरे आपके सवाल ने तो हमारा दिमाग ही खा लिया, पर ऐसी केवल एक चीज है मैडम, प्लेट। तुम तो मेरी सोच से ज्यादा होशियार निकले, और तुम मेरे टेस्ट में भी पास हो गए। अब ये बताओ कि तुम कैसे लेना पसंद करोगे, खड़े खड़े या बैठ कर? आप जैसा कहें हम वैसे ले सकते हैं मैडम, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो दोनों मजा आता है मैडम। एक्सक्यूज मी, मैं क्लास लेने की बात कर रही हूँ। अरे मैडम जी, हम भी क्लास लेने की ही बात कर रहे हैं, और बाकी कुछ और दे सकती हैं तो हमें कुछ अतराज नहीं है। अब ये लेना देना चलता ही रहेगा, आपका सिलेक्शन पक्का है और आप कल से ज्वाइन कर लीजिए। बहुत बहुत थैंक यू मैडम देने के लिए, बहुत बहुत थैंक यू। ओ कुड़ी मैनू कहंदी।